Audio Jungle. आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आराधना शुक्ला है और मैं सरस्वती शिशु मंदिर हर्षवर्धन नगर की पूर्व छात्रा हूँ और अभी मैं वर्तमान में दिल्ली में रह रही हूँ। इससे पहले मैं भोपाल में थी और मैंने वर्तमान टेक्सटाइल लिमिटेड में 5 साल अपनी सेवाएं एज अ एचआर ऑफिसर दी हैं और अभी मैं यहाँ दिल्ली में छोटे बच्चों को जो है वो संगीत की शिक्षा दे रही हूँ, हारमोनियम और कैसे सिखाती हूँ। इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है लोकगीत भक्ति ट्यूटोरियल के नाम से और मुझे आशा है कि आप सबके आशीर्वाद और साथ से मैं वहाँ पर भी सफलता अर्जित करूँगी। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में आप लोगों के समक्ष अपने विचार साझा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का महत्व। मुझे ऐसा लगता है कि प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का बहुत ही महत्व है और प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा को जो है वो ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए और उसका कारण ये है कि जो प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चों की आयु होती है वो 5-6 साल 7-8 5-6 7-8 9-10 साल तक की होती है और यही होता है कि जब बच्चों की जो नींव है वो मजबूत होती है, शिक्षा की नींव जो है वो मजबूत होती है। अगर हम प्राथमिक शिक्षा में जो है और मातृभाषा को रखते हैं, सम्मिलित करते हैं, तो बच्चों में जो है वो एक अलग ही जो है वो आपको विकास देखने को मिलेगा। कैसे? क्योंकि जब बच्चा क्या होता है, बचपन से अपनी मातृभाषा को ही सुनते वो बड़ा होता है और वो उसी को बहुत अच्छे से समझता है, उसी को बहुत अच्छे से जानता है, उसी भाषा में वो बात करता है। तो जब वो विद्यालय में जाता है और वहाँ पे उसको उसी तरीके का माहौल मिलता है तो वो उसमें बहुत जल्दी से अपने आप को जो है वो घुल मिल जाता है, एडजस्ट कर लेता है और अपने मन की जिज्ञासाओं को वो अच्छे से उसका समाधान ढूंढ सकता है, पूछ सकता है, चीज़ों को समझ सकता है। और एक अध्ययन भी ऐसा बताते हैं कि यदि आप प्रारंभिक शिक्षा में जो है वो मातृभाषा को रखते हैं तो बच्चों का शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है और वो जो है उनकी जो नींव है वो बहुत ही मजबूत होती है।